विधानसभा उपचुनाव में जीत के बाद निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने कहा है कि रुपौली की जनता के ने वोट देकर के सेवा करने का मौका दिया है और जनता के इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगा। मेरा एक एक पल जनता के लिए समर्पित है। न्यूज स्टेट संवाददाता सुशांत कुमार ने निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह से खास बातचीत की है। इस दौरान बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। रुपौली से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में शंकर सिंह ने आज जीत दर्ज कर ली है और फाइनली अगर देखा जाए तो 25 वर्षों का वनवास आज उनका खत्म हुआ है और इस जीत को लेकर उन्होंने रुपौली की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा है कि रुपौली की जो भी प्राथमिकताएं हैं हम उसे पूरा करेंगे और रुपौली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उनके आशीर्वाद और विश्वास पर हम खड़े उतरने का कार्य करेंगे। हमारे साथ अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतने वाले शंकर सिंह मौजूद, आइए उनसे बात करके जानते हैं कि इस जीत पर वो क्या कहते हैं। जनता भगवान का आशीर्वाद है और जनता भगवान का बहुत प्यार मिला और जनता भगवान के चरणों में मेरा जब तक जीवन रहेगा उसके चरणों में समर्पित रहेगा। रुपौली का जो 3-4 मुख्य मांग है उस पर कब तक प्रयास होगा आपका कि उसको शुरू करवाए, उसके लिए पहल करें? इसके लिए हम शुरू से प्रयास, सत्र चालू होगा तो हम आवाज़ उठाएंगे, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम विधानसभा के आगे अपना भूख हड़ताल पर बैठेंगे। जब तक हमारा मांग जैसे डिग्री कॉलेज है विजय लालगंज से कुर्सेला तक कुश्कीपुर होते हुए रिंग बांध का जरूरी है, बहुत पुल ऐसा है जो 7-8 पंचायत जोड़ता है तो उस पर हम काम करेंगे। बिजली का समस्या है। चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी से आपको कॉल उलाया कि आपके तरफ कोई ऑफर आया है कि आप मेरे पार्टी में शामिल हो? पहले जनता भगवान से आदेश लेंगे हम, तब किसी पार्टी में जाएंगे। हमको संपर्क किया आपसे क्या? कोई किसी ने संपर्क नहीं। अगर कोई संपर्क करते हैं आपसे तो क्या आपका मूड है किसी पार्टी में? जनता भगवान का आदेश से ही कहीं जाएंगे। रुपौली की जनता को क्या संदेश देंगे इस जीत पे? रुपौली की जनता को चरणों में मेरा, जनता भगवान के चरणों में हमारा सारा जीवन समर्पित रहेगा। पप्पू यादव ने समर्थन कर दिया था 2 दिन पूर्व चुनाव से बीमा भारती, उसके बाद ही देखिए हम किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हमको जनता भगवान का आशीर्वाद मिला है, हम किसी नेता लीडर पर टिप्पणी नहीं करेंगे, जनता भगवान जाने। ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी रुपौली विधानसभा चुनाव जीत दर्ज करने वाले शंकर सिंह, जिन्होंने साफ कहा कि हम किसी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, रुपौली के विकास की बात करेंगे। हालांकि सवाल पर उन्होंने कहा कि निर्दलीय आप जीते हैं क्या किसी पार्टी में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन से विचार करने के बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा, क्योंकि जनता जनार्दन ने ही मुझे अपना वोट देकर विधायक बनाया है। सुशांत कुमार, न्यूज नेशन, पूर्णिया।